नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। रेलवे भर्ती परीक्षा से जुड़ी जानकारी हमारे चैनल पे वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही घंटे को बटन को दबाना नहीं भूलिएगा। साउथ ईस्टर्न रेलवे खड़गपुर डिवीजन में भर्ती प्रक्रिया जो चल रही है, डीबी हो गया, मेडिकल हो गया, और साथ ही जो है ना फॉर्म को लेकर जितने भी आप सभी के मन में कंफ्यूजन है, सभी पे जो है ना वीडियो आपको लगातार इस चैनल पे मिलते रहेंगे। अब देखिए बात कर लेते हैं फाइनल, जिनका जो है यहाँ पे डीबी फाइनल हो चुका है खड़गपुर डिवीजन में और साथ ही मेडिकल फाइनल हो चुका है। इसके बाद प्रोसेस होता है ज्वाइनिंग का। ज्वाइनिंग के प्रोसेस में जो है, इससे पहले आपको एनपीएस फॉर्म जो है उसके रिगार्डिंग भी वीडियो बन चुका है, देख लीजिएगा। एनपीएस फॉर्म में एनेक्सर 1, एनेक्सर 2 सब सब बता चुके हैं, वीडियो देख लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे, चैनल पे रखा हुआ है। इसके बाद आपको एक ज्वाइनिंग जो है ना यहाँ पे सर्विस बुक भरना होता है। सर्विस बुक भरने से पहले जो है ना एक पेज आपको दुकान से जो फॉर्म मिलते हैं सर्विस बुक के अंदर में जो आपको भरना है, वही पेज डेमो पड़ती रहता है, उसके अंदर जो है ना अच्छे से पूरा भर के, इसके बाद जो सर वहां पे बैठे रहते हैं टीबी वगैरह सब कराने वाले, तो उन सर को ये अच्छे से चेकअप करवा लीजिएगा। चेकअप करवाने के बाद जो है ना आपको यहाँ पे सर्विस बुक जो है ना दे दिए जाएंगे। सर्विस बुक को फिर अच्छे से भरना है, कैसे भरना है वो अभी इसी वीडियो में बताने वाले हैं। फटाफट इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा भाई बंधु मित्रों में। ये पेंशन योग्य सेवा भाई यानी सर्विस बुक को कैसे भरना है, सावधानी पूर्वक आपको भरना है, एक भी गलती नहीं होगा, अभी आपके सामने जो है ना दिखाने वाले हैं। तो आइए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए सर्विस बुक जो है ये आपको अच्छे तरीके से भरना है। ब्लैक या ब्लू पेन आपका दोनों चल सकता है। सर्विस बुक में आपको एक फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो भी चिपकाने होते हैं और आधार नंबर भी ऊपर में डालने होते हैं। तो आइए यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सर्विस बुक का जो है ना ये आपको प्रति दिख रहा होगा, तो देखिए सर्विस बुक का ऊपर वाला जो है ना कवर पेज का फोटो है, इसमें लिखा हुआ दक्षिण पूर्व रेलवे साउथ ईस्टर्न रेलवे पेंशन योग्य सेवा भाई यानी सर्विस बुक वर्ग 3 और 4, यहाँ पे जो है ना क्लास 3 और क्लास जो है ना 4 स्टाफ के लिए है। और साथ ही जो है ना यहाँ पे आपको सबसे नीचे आपको नाम डाल देने हैं, सर्विस बुक के ऊपर वाले फर्स्ट पेज कवर पेज पे आपको कैपिटल लेटर में अच्छे से नाम डाल देने हैं। आइए पेज पे चलते हैं और इसको अच्छे से जो भरना होता है, बस एक ही पेज आपको भरने होंगे, एक ही पेज इसको आपको भरने हैं, इसके बाद का प्रोसेस आपको बताएंगे। ये पेज आपको नॉर्मल पहले दुकान से मिल जाएगा, इसको भर के उसके बाद सर से चेक करवा लीजिएगा। चेक करने के बाद ही जो है ना सर्विस बुक के अंदर भरिएगा, सेम यही सर्विस बुक के अंदर भी आपका भरा जाना है। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे दक्षिण पूर्व रेलवे सेवा का ब्यौरा जो लिखा हुआ है, तो आइए यहाँ पे आपको क्या क्या भरने हैं। एक नंबर में आपको ध्यान देना है पूरा नाम बड़े अक्षर में कैपिटल लेटर में आपको भरने हैं, ध्यान दें यहाँ पे आपको कैपिटल लेटर में आपको यहाँ पे नाम भरने हैं। दूसरा नंबर पॉइंट है पिता का नाम, फादर्स नेम, ये भी कैपिटल लेटर में अच्छे से आपको भरने हैं। और साथ ही यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तीन नंबर में नेशनलिटी और कास्ट और रिलीजियन ऑब्लिक करके दिया हुआ है, तो राष्ट्रीयता देखिए यहाँ पे इंडियन डाले हैं, फिर ऑब्लिक डाले हैं यानी सेलेक्ट डाले हैं, इसके बाद जाति बोला है, तो जैसे ओबीसी है तो ओबीसी, यूआर है तो यूआर डालिएगा, एससी है तो एससी, एसटी है तो एसटी, और धर्म यहाँ पे पूछा है, जैसे कि इस्लाम धर्म मुस्लिम का है तो इस्लाम धर्म डाल दिए हैं, हिंदू है तो हिंदू डाल दीजिएगा, सिख है तो सिख, बौद्ध है तो बौद्ध, ईसाई है तो ईसाई, इस हिसाब से तीन नंबर में अच्छे से डाल लीजिएगा। पहले आपको यहाँ पे राष्ट्रीयता जैसे इंडियन है इंडियन डाल दिए, जाति ओबीसी एससी एसटी जो है यहाँ डाल दीजिएगा, जनरल वाले यूआर लिखिएगा, और साथ ही धर्म जो है आपका यहाँ पे धर्म लिख दीजिएगा सेलेस लगाते हुए, तीन नंबर आपको समझ में आ गया होगा। और साथ ही देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं आप चार नंबर में अस्थायी निवासी जो है ना इंडियन, इंडियन बाय बर्थ यहाँ पे लिखना है, ध्यान से देखिएगा इंडियन बाय बर्थ, ये सभी कैंडिडेट लिखेंगे। पांच नंबर में खास तौर पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आपको अस्थाई पूरा पता कॉलम में आपको यहाँ पे फिलअप करना है, ग्राम यहाँ पे बोला जा रहा है विलेज, तो विलेज यहाँ अपने गांव का नाम ऊपर नीचे करके डाल सकते हैं या एक ही लाइन में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, जो ग्रामीण इलाके से बिलोंग नहीं करते हैं शहर से करते हैं शहर का नाम डाल दीजिएगा, डाकघर पोस्ट ऑफिस जो होता है उसका नाम डाल दीजिएगा, पुलिस स्टेशन यहाँ पे डाल दीजिएगा, और साथ ही निकटवर्ती जो आपका निकटतम रेलवे स्टेशन है रेलवे स्टेशन का नाम डाल दीजिएगा, और जिला का नाम और यहाँ पे राज का नाम, जिला का नाम जैसे यहाँ पे देखिए मधेपुरा लिखे हैं और स्टेट का नाम बिहार लिखे हैं, तो ऐसे यहाँ पे आपको लिख देने हैं जो आपका जिला और साथ ही स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो पांच नंबर आपको समझ में आ गया होगा। आइए बात कर लेते हैं छह नंबर में आपको क्या भरने हैं। छह नंबर में खास तौर पर यही चेकअप होता है, ध्यान रखिए
देखिएगा 6 नंबर ही अच्छे से चेकअप होता है। तो 6 नंबर में जन्म तिथि और साथ ही जो है ना यहाँ पे आपको घोषणा करना है, डिक्लेरेशन है। ध्यान से देखिएगा, अंकों में आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखना है, जैसे कि 1/1/1997 है तो यहाँ पे आपको अंग्रेजी में शब्दों में वर्ड में लिखना है। ध्यान रहे, जैसे लिखा हुआ है 1 जनवरी 1919, यहाँ पे डालने हैं 1997, यहाँ पे 1997 ऐसे लिखना है। गलत नहीं लिखना है, अच्छे से लिखना है। यदि आपको नहीं आता है तो गूगल कर लीजिएगा, इसको जो है ना अच्छे से चेकअप किया जाता है। इसके बाद मैं घोषित करता हूँ, ये जो है ना यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, इसके नीचे अंग्रेजी वाले में जो है ना यहाँ पे मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको लिखने हैं। सभी कैंडिडेट को यही मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट लिखने हैं, काहे कि आपका डेट ऑफ बर्थ जो आपका वेरीफाई होगा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट से ही होगा मूल प्रमाण पत्र के अनुसार। 7 नंबर ध्यान दीजिएगा, 7 नंबर में जो है ना जन्म स्थान में यहाँ पे आपका गाँव का नाम डाला जाएगा और जिला का नाम मांगा जा रहा है, तो जिला का नाम, गाँव का नाम डाल दीजिएगा। और हस्ताक्षर यहाँ पे और बाएं अंगूठे का निशान बोला जा रहा है, तो यहाँ पे केवल आपको हस्ताक्षर कर देने हैं, यानी कि क्या करने यहाँ पे सिग्नेचर आपको कर देने हैं। 8 नंबर ध्यान दीजिएगा, शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है आपका, मैट्रिक है, कॉमा लगाइएगा, कॉमा छूट जाता है कैंडिडेट से, ध्यान रखिएगा यहाँ पे भी आपको मिस्टेक होगा, कॉमा लगाइएगा। मैट्रिक के बाद कॉमा लगाए हैं, कॉमा लगा के उसके बाद आईटीआई जो कैंडिडेट किया है आईटीआई, उसके बाद कौन सा ट्रेड है ऐसे आपको अंदर कर देना है, इलेक्ट्रिशियन किया तो इलेक्ट्रिशियन, फिटर है तो फिटर, या मैट्रिक के बाद कोई डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या कौन है सिविल वो डाल दीजिएगा, कॉमा लगाइएगा। फिर यदि बीटेक किए हैं जो भी है इंजीनियरिंग है तो आप यहाँ पे ऐसे कॉमा लगाते हुए, या इंटर किए हैं तो ऐसे अच्छे कॉमा लगाते लगाते यहाँ तक ही आपको करने हैं, छोटा छोटा अच्छे से लिखिएगा। 9 नंबर ध्यान से देखिएगा, पहचान के जो है ना वैकल्पिक चिन्ह जो होता है आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसमें आपको 2 आइडेंटिफिकेशन नंबर जो आपका मेडिकल मेमो में कंप्लीट रूप से जो दिया गया है, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन को लेकर बहुत प्रॉब्लम भी होता है, जो आपको लास्ट में फाइनल मेडिकल मेमो में मिला है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट में A1 जिसमें लिख के दिया है, उसमें ध्यान से देखिएगा वही आपको यहाँ पे डाल देने हैं। जैसे भी यहाँ पे लिखा हुआ एमोल ऑन नोज, एमोल ऑन राइट आर्म, जो भी आपका है दोनों यहाँ पे डाल दीजिएगा, लेकिन छोटा छोटा और कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा बड़ा हो गया है थोड़ा और छोटा कर लीजिएगा, इसलिए छोटा कीजिएगा कि यहाँ पे जो है ना फिंगर का, जी हाँ यहाँ पे फिंगर का जो है ना यहाँ पे लगेगा आपका, सभी फिंगर लगेगा, अंगूठा लगेगा यहाँ पे तर्जनी, 4 फिंगर जो होता है यानी कि अंगूठा के जस्ट पहला नंबर जो फिंगर होता है इसे 4 फिंगर कहा जाता है, ये लगेगा। और साथ ही यहाँ पे राइट फिंगर लिखा हुआ है, ये जो लेफ्ट फिंगर देख रहे हैं ये लेफ्ट फिंगर होगा, राइट नहीं रिंग फिंगर है, सॉरी ये रिंग, यहाँ पे जो है ना रिंग फिंगर किधर गया, ये आपका हो गया थंब हो गया, लेफ्ट फिंगर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिटिल फिंगर भी होगा, तो इस हिसाब से अच्छे से फिंगर जो है ना देख लीजिएगा और अच्छे से फिंगर को लगा दीजिएगा। यहाँ पे है मिडिल फिंगर, यहाँ पे देखिए ये रहा मिडिल फिंगर, ठीक है मिडिल फिंगर, तो अच्छे से फिंगर जो है ना जहां वो सर वैसे लगवा देंगे आपका। तो 10 नंबर तक कंप्लीट हो गया है, 11 नंबर पे चलते हैं, 11 नंबर पे कुछ भी आपको नहीं भरना है, 12 नंबर पे कुछ नहीं भरना है, 13 नंबर पे कुछ नहीं भरना है, 14 नंबर और 15 नंबर तक आपको कुछ नहीं, 16 नंबर तक कुछ नहीं भरना है, 17 नंबर में हाइट आपकी ऊंचाई जो है वो आपको यहाँ पे सीएम में डाल देना है, और यहाँ पे फीट में डालना है, यहाँ पे इंच में डालना है, फीट और इंच दोनों मिला के यहाँ पे डालिएगा। इसके बाद 18 नंबर में जो है यहाँ पे आपको हस्ताक्षर करने हैं, क्या करने हैं सिग्नेचर करने हैं, बस इतना ही आपको सर्विस बुक के अंदर भरने होते हैं, ये इसलिए पहले आपसे भरवाए जाते हैं नॉर्मल प्रति में, फिर ये आपको वापस मिल जाता है, तो ताकि जो है ना सर्विस बुक जब भरिएगा वहां पे एक भी गलती ना हो, तो इस हिसाब से अच्छे से भर लीजिएगा। देख लीजिए सर्विस बुक को जो है ना आपको ऐसे भरना है। इसके बाद जो है ना 2-4 पेज में ध्यान, इसके बाद जो है आपका 4 पेज में आपको ऊपर वाले सेक्शन में आपको नाम काले कैपिटल लेटर में डालने हैं, पूरा 4 आई रिपोर्ट तक जो है ना आपका 4 पेज तक ऊपर में नाम डाला जाएगा, वैसे वहां पे आपको बता देंगे। पहले पेज जो है ना ये पहला पेज में यहाँ पे आधार नंबर जो है ना आपको लिख देने हैं, जी हाँ आधार नंबर आपको यहाँ पे लिखने हैं, तो ये आपका कंप्लीट रूप से जो है सर्विस बुक भरने के लिए बता दिए हैं। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दिए गए जानकारी से आप संतुष्ट हुए होंगे, अभी भी मन में कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, संभवतः आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक दीजिए हमें इजाजत, जय हिंद जय भारत।